हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनकाइंड के रेसेस के बारे में कि मानव प्रजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है और कैसे अलग अलग जगह पे अलग हमें उनके रूप हमें इनके देखने के लिए मिलते हैं और ये इनकी जो उत्पत्ति है वो एप से हुई है, यानी कि वानर से हम बोल सकते हैं, वानर से उत्पत्ति हमें मानव की देखने के लिए मिलती है। अभी हम डिफरेंट रेसेस ऑफ मैन की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि मानव की अलग अलग जो प्रजातियां हैं, ठीक है, मुख्य जो प्रजातियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मानव की प्रजातियों की हम बात करें, सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि प्रजाति क्या होती है। व्हाट डज द रेस मीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस। किसी भी प्रजाति को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, उसका डिवीजन करने के लिए सफिशिएंट कांस्टेंट इनहेरिटेबल ट्रेड्स होने के लिए जरूरी है, जिससे कि हम एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति से हम डिफरेंशिएट कर सकें। हालांकि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से पूरी 100% ऐसे अलग हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्टली सभी क्या है, दे आर ऑल टूल मेकिंग एनिमल्स वी कैन से, ठीक है, हर कोई जो है वो औजार बनाने वाले ही पशु हैं, ठीक है, बट ईच मैन इज अ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल एंड डिफर्स इन द ग्रेटर और अ लेस डिग्री फ्रॉम ईच अदर। हर एक जो इंसान होता है, मानव होता है, वो दूसरे से अलग होता है। हालांकि, ठीक है, जैसे आप अपने क्लास में ही आप देखोगे, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो, लेकिन एक स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट से आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, एक जैसे हैं, तो कैसे उस आधार ही उनको जो है अलग अलग रेसेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी उनके अंदर जनरल रिजेम्बलेंस है, एक ही जैसी एज है, ऑलमोस्ट एक जैसी हाइट है, ठीक है, तो इस आधार पर एक जो है उनको एक सिमिलर रेस के अंदर या सिमिलर प्रजाति के अंदर रखा गया है। सबसे पहले जो वर्ड रेस है, प्रजाति है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर 16th सेंचुरी में यूज किया गया। थॉमस डी गॉबिडे जो है, इन्होंने सबसे पहले जो भी फिजिकल ह्यूमन बींग्स है उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, भौतिक उनकी जो लाक्षणिकताएं हैं उसके आधार पर डिफरेंट रेसेस का क्लासिफिकेशन किया। अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण उन्होंने बताया, जिसके अंदर उन्होंने जो आधार रखा, उनका जो बेसिस था वो था कलर ऑफ द स्किन, यानी कि चमड़ी का रंग कैसा है, शेप ऑफ द हेड और सिर का जो आकार है वो किस तरीके का है, हेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, और बाल जो है उनके भी शेप कैसे हैं, वो भी कैसे दिखते हैं, और पूरी जो ओवरऑल बॉडी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। इन जो थॉमस डी गेविन ने जो रेस बताया, प्रजाति बताई, हालांकि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, जो कि सोशल डार्विनिज्म की हम बात करें, डार्विन को आप जानते ही हैं, डार्विन हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर डार्विन के बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी, तो उनका जो मीनिंग था रेस का, ठीक है, उसके साथ हम देखें तो ये डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सोशल डार्विनिस्ट जो है, सोशल डार्विन्स एक्सटेंड द बायोलॉजिकल आइडिया फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिम वेयर इट इज रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज, ठीक है, टू द सोशियोलॉजिकल रिम वेयर इट इज रेफर्ड टू द रिलेशन within the species, क्योंकि जो social Darwinist हैं या जो Darwin theory को support करते हैं, उनका ये मानना है कि biologically, ठीक है, कैसे एक जो प्रजाति है दूसरे प्रजाति का आपस में जो अंतर संबंध भी जो होता है, उस आधार पे भी हम different जो races है उसका classification कर सकते हैं। यूरोप के अंदर एक इंपीरियल, लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे, ठीक है,
उनका एक्सपेंशन हुआ और मेनली एक जो वाइट पीपल है उनकी सुपीरियोरिटी हमें देखने के लिए मिली, यानी कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने आसपास के दूसरे जो देश है वहां पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, यानी कि उनको कॉन्कर करना शुरू कर दिया था, उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया गया था। तब जो रेस था, ठीक है, प्रजाति की डेफिनेशन उस टाइम पे चेंज हुई, और उस टाइम पे द आइडिया दैट द ह्यूमन बीइंग्स कैन बी रेडिली डिवाइडेड इनटू द सीरीज ऑफ डिस्क्रीट रेसेस इज नाउ वाइडली रिगार्डेड एज फेलिशियस बिकॉज अ पॉलिटिकल एंड अ सोशल कंस्ट्रक्शन रेदर देन अ बायोलॉजिकल फैक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रेसिज्म रेदर देन द ह्यूमन जेनेटिक्स। क्योंकि इस टाइम पे फॉर्चुनेटली एक ये आइडिया आया कि जो अलग अलग रेसेस हैं, डिस्क्रीट जो रेसेस हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल और सोशल कंस्ट्रक्शन ही नहीं है सिर्फ, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक ही एक व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ये मतलब इससे भी जुड़ी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि एक शारीरिक रूप से कैसा व्यक्ति दिख रहा है केवल उसी से रिलेटेड नहीं है, राजनीतिक और सामाजिक कैसी व्यवस्था है उससे भी रिलेटेड हमें देखने के लिए मिलता है। इस वजह से इस टाइप पे रेसिज्म जो है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ, और इस टाइम पे हम देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट रेसेस आए, ठीक है, हालांकि काफी डिफिकल्ट था रेसेस का क्लासिफिकेशन करना, प्रजातियों का वर्गीकरण करना, जैसे कि एक समझ लो कि कोई हिंदुस्तानी है, इंडियन है, ठीक है, तो इंडियन रेस को जनरली आपने सुना होगा आर्यन रेस बोलते हैं कि ठीक है आर्यन प्रजाति के हैं, आर्यन प्रजाति से हमारा विकास हुआ है, हम आर्यन रेस के हैं। तो कोई एक आर्यन जो है वो अगर समझ लो कि अफ्रीका में चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपके निग्रोइड्स है, निग्रो प्रजाति देखने के लिए मिलती है, वो वहां जाके वहां के व्यवहार में, वहां के जो जीवन यापन है उस तरीके का अगर वो करने लगता है, तो क्या हम उसके रेस क्या को क्या हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर इसके अंदर यह है कि एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, ये जेनेटिक फैक्ट है ह्यूमन के अंदर, हालांकि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं लोगों के एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण होने पे, इफ अ पर्सन माइग्रेट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द रेसेस प्रजातियों के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम एक जो बेसिक ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, एक सामान्य जो हमें उनके अंदर ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है जो कि डिस्टिंग्विश करती है उसको दूसरे उनको दूसरे व्यक्तियों से, तो उस आधार पे रेसेस का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हालांकि इसमें रेसेस का क्लासिफिकेशन करना काफी एक कहते हैं डिफिकल्टीज रही हैं उसके वर्गीकरण के लिए, प्रजातियों का वर्गीकरण करना, क्योंकि इसके लिए भी ना उसका क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड हो गए लोग, ठीक है, अलग अलग विचारधाराओं के लिए उनका वर्गीकरण हो गया कि हमें उनके फिजिकल ट्रेड के अकॉर्डिंग करना चाहिए या ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। तो रेस डिफ्रेंसिएशन जो एग्जिस्ट करती है अर्लियर स्टेज में ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, एक फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना था, एक स्कूल ऑफ थॉट का, और एक और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, दूसरे जो लोग थे उनकी ये विचारधारा थी, एंड दे एडवोकेटेड अ कॉमन एवोल्यूशन ऑफ ऑल द रेसेस विद डिफरेंशिएशन डेवलपिंग रिलेटिवली लेट, ठीक है। अभी ना दो तरीके से ये हो गया कि शायद क्यों कैसे अलग अलग रेसेस हुई होंगी, तो एक में तो ये बोला गया कि हर पर्टिकुलर एरिया जो है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहां पे कैसे जो एप या जो भी वन मानुष वहां पे मिल रहे थे उनसे कैसे मानव बना, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे आपको डिफरेंट शायद रेसेस देखने के लिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना था कि नहीं, आपका मानव का एवोल्यूशन हुआ, मानव प्रजाति उद्भव हुई, ठीक है, फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है डिवाइड हो गए, अलग अलग रीजन्स में जाके रहने लग गए, और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ के आबो हवा की स्थितियों के अनुसार उनके रूप में उनके अंदर एक शारीरिक परिवर्तन आने लगा, ठीक है, एक रिलेटिव चेंजेस आने लगे, तो उसके बाद जो है डिफ्रेंसिएशन हमें इसके अंदर डेवलप होता हुआ देखने के लिए मिला।
और हम देखें तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, इनहेरेंट ट्रेड्स भी हैं, साथ ही साथ एक दूसरी जगह पे जब माइग्रेट होते हैं, दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो उसके साथ भी इनके अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉमन फीचर्स की हम बात करें सभी मैनकाइंड की या हम होमो सेपियंस की, ठीक है, मानव प्रजाति की जो सामान्य एक जो ट्रेड है उनकी अगर हम बात करें तो वेल डेवलप्ड हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है उनका, फिर वर्टिब्रेटेड बैकबोन्स हैं, सबके पास जो है रीढ़ की हड्डी है, इरेक्ट पोस्चर है, खड़े होके सीधे होके चलते हैं, एंड उनके हाथ हैं, हेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे कई सारी जो चीजें हैं हमें उनकी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें हमें कुछ जो प्रजातियां हैं दूसरे प्रजाति से, दूसरे रेसेस से अलग देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ स्किन कलर, चमड़ी का रंग कैसा है, आईज का कलर्स कैसा है, आंखों का कलर्स कैसा है, फॉर्म एंड कलर ऑफ द हेयर, बालों का कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, सीधे हैं, वेवी हैं, स्ट्रेट है एकदम, शेप ऑफ नोज, नाक का आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, या मोटा हुआ है, मोटा है या एकदम चिपका हुआ है, या फिर आपके एपिकेंथिक फोल्ड कैसा है, ठीक है, माथे में एक फोल्ड होता है वो कैसा है, आपके थिकनेस ऑफ लिप्स, होंठ कैसे हैं, उसकी मोटाई कितनी है, पौड़ाई कितनी है, इसके अलावा फेस का पोस्चर कैसा है, स्टेचर कैसा है यानी कि हाइट कैसी है, शेप ऑफ हेड कैसा है, सिर का आकार कैसा है, गोल है, लंबा है, ठीक है, ये सब वेरिएशंस के आधार पर जो है डिफरेंट हम डाइवर्स ग्रुप्स में मैनकाइंड को, प्रजाति को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक जो प्रजाति है वो दूसरे में से एकदम ही डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं है, कुछ सिमिलर ट्रेड्स भी हमें उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, मतलब एकदम समानताएं, मतलब हर चीज में विभिन्नता हो, हर चीज डिफरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई जो चीजें हैं उसके अंदर हमें एक जो समानता है, ठीक है, सिमिलैरिटी जो है वो भी हमें इनकी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि एक प्रजाति के आंखों का रंग काला है, ठीक है, तो दूसरे का ब्राउन है तो तीसरे का उसका भी शायद काला हो, ठीक है, तो कोई ना कोई ट्रेड ऐसा होगा, लेकिन हम ओवरऑल सभी उनके बायोलॉजिकल ट्रेड्स की बात करें तो एक हमें डिफरेंट देखने के लिए डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। फिर रेस की प्रजाति की परिभाषा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कैसे करी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या कहा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना था कि रेस इज अ प्रिंसिपल डिविजन ऑफ मैनकाइंड मार्क बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ब्रीड, ठीक है, यानी कि आपके भौतिक जो लाक्षणिकताएं हैं मानव के अंदर, उनके अंदर एक प्रिंसिपल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, मतलब मुख्य रूप से उसके अंदर आपको अंतर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो आगे विद द ब्रीड, मतलब आगे जो जनरेशन बढ़ती है उसके अंदर अलग अलग वो हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है। दूसरा एक और ग्रुप था कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, उन्होंने डिफाइन किया रेस को, अ रेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ मोर और लेस परमानेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू विच पर्संस कंसर्न्ड अटेन सर्टेन इंटरप्रिटेशंस, यानी कि एक या एक से ज्यादा, मतलब उनके अंदर कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ जो लाक्षणिकताएं होती हैं, ठीक है, वो अलग देखने के लिए मिलती है और वो ऑलमोस्ट परमानेंट रहती है, बहुत ज्यादा चेंजेस उसके अंदर नहीं होता, चाहे उसके आगे अलग से अलग जो जनरेशन है वो हमें देखने के लिए मिले। रेस को इवन हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल ग्रुपिंग विद इन द ह्यूमन स्पीसीज डिस्टिंग्विश्ड और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिफरेंसेस, यानी कि जो जेनेटिकली डिफरेंसेस होते हैं, अंतर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, उस आधार पर आपके जो है बायोलॉजिकल ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है, मानव प्रजातियों की। कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, हालांकि आप उसके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले सकते हैं, भौतिक जो लाक्षणिकताएं भी ले सकते हैं, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हमने, जैसे कि चमड़ी का रंग है, स्किन ऑफ कलर है, कलर ऑफ हेयर है, बालों का रंग है, बालों का टाइप है, बालों का प्रकार है, ठीक है, इसके आधार पर हम इन फिजिकल ट्रेड्स के आधार पर देखें तो मेनली 5 बायोलॉजिकल रेसेस हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपके है कस्केसॉइड, फिर आपके है निग्रोइड, मंगलॉइड और लेटर ऑस्ट्रेलॉइड और
अमेरिकन इंडियन, अभी अमेरिकन इंडियन को छोड़ के बाकी जो चार है वो मैं आपको जैसे दिखा देती हूँ इसके अंदर, ये आप यहाँ पे देखोगे ये होते हैं निग्रोइड्स। निग्रोइड्स हम इन डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो एक इनका मतलब आप यहाँ पे एक जो जनरल फीचर देख रहे हो उससे एक चेंजेस देख सकते हो, मतलब हम सिर्फ चेहरे की यहाँ पे बात करें, आप इनके लिप्स देखें, इनके नोज देखें, इनका आईज का कलर देखें कैसा है, आईब्रोज देखें, बालों का टेक्सचर जो है हमें कैसा देखने के लिए मिलता है, ये कस्कोइड्स हैं, ये मंगेलॉइड्स हैं और ये ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, ठीक है। और पांचवा जो था वो अमेरिकन इंडियन थे, यानी कि ये दोनों जो मिक्स्ड ग्रुप ब्रीड हमें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा जो है रेसेस का इवन क्लासिफिकेशन ब्लड टाइप्स में किया जा सकता है। आपके ब्लड्स के बारे में आपको पता होगा, खून के बारे में पता होगा, सबका खून अलग होता है, ठीक है, मतलब सबका तो अलग नहीं होता है लेकिन आपको ब्लड ग्रुप्स आपको पता होंगे, ठीक है, ए बी, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, से बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स के आधार पर भी आपका उनका जो क्लासिफिकेशन है, उनका जो वर्गीकरण है वो 8 to 9 ज्योग्राफिकल रेसेस के रूप में किया जा सकता है, जिसमें जनरली आपके कस्कॉइड्स हैं जो कि यूरोप के अंदर रहते हैं, फिर निग्रोइड्स हैं जो कि अफ्रीका के अंदर रहते हैं, मैंगेलॉइड्स हैं जो कि एशिया के अंदर रहते हैं, इंडिक है हिंदू यानी कि जो इंडिया के अंदर रहते हैं, फिर ऑस्ट्रेलॉइड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, पॉलिनेशियन, मिलेनेशियन, माइक्रोनेशियन, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट ओशनिक स्टेट्स के लोग हैं, फिर आपके अमेरिकन इंडियन, ये आपको अलग अलग यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इससे रिलेटेड इनका जो डिस्पर्शन है वो भी हम यहाँ पे मैप के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि कौन से एरिया में, जिसकी हमने पहले बात की थी कि कैसे प्लेस्टोसीन पीरियड में पूरा बर्फ से ढक गया, ठीक है, फिर कैसे इनका जो मूवमेंट है हमें एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे देखने के लिए मिला। यहाँ पे आप देखोगे इंडिजीनियस जो वर्ल्ड के हैं, ये जो रीजन है यहाँ पे आपको मंगलॉइड्स मिलेंगे, यहाँ पे निग्रिटोज मिलेंगे, यहाँ पे भी निग्रिटोज मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हेमिट्स मिलेंगे, ये बुशमैन, ये भी निग्रिटो ही है सब यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेंगे, ये अमेरिकन मिलेंगे, यहाँ पे मंगलॉइड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अलग अलग जो रेसेस हैं हमें यहाँ पे इनके देखने के लिए मिलती हैं। तो चला मेल देख लेना, मेल से